ये बहुत ही टेस्टी चिकना का झोर भात बन के तैयार है। इस तरह से बनाइए, खाइए। सीधे हम लोग से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, सीधे हम लोग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सब्जी, यह है चिकना। अब यह है चिकना, इसको ड्राई रोस्ट कीजिए। ये इस तरह से अब ये रोस्ट हो गया। इसको अब इसको निकाल लीजिए और एक बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। ये है सरसों तेल, ये थोड़ा सा पचफोरन, एक तेज पत्ता। अब इसमें डालिए आलू, काट के धो के साफ किया हुआ है भुजिया के जैसा। और इसमें डालिए नमक, हल्दी पाउडर, ये लहसुन, जीरा, मरीच और ये सूखी लाल मिर्ची, इसको पीसिए। अब डालिए इसमें ये मसाला, ये मसाला थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको रख लेंगे। अब ये आलू मसाला सब अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें डालिए पानी। अब ये ठंडा हो गया है, इसको डालिए मिक्सी के जार में और आलू को पकने दीजिए ढक के। और इसको पीसिए, रुक रुक के चलाइए, लगातार चला के नहीं पीसिए तब पिसाएगा नहीं। ये इस तरह से पिसाया है, अगर इसको लगातार चला के पीसेंगे तो फिर इसमें से तेल निकल जाएगा। इस तरह से ये सूखा पाउडर जैसा पिसाता है रुक रुक के चलाने से। अब जितना बनाना है उस हिसाब से लीजिए और इसको कोई डब्बा में बंद करके रख दीजिए, बहुत दिन तक ये चलेगा। इसमें डालिए पानी। अब डालिए इसमें ये घोला हुआ चिकना। लास्ट का थोड़ा सा नहीं डालिए, इसमें कंकड़ रहता है। अब इसको ढक के और पकाइए। अब ये है आम का अचार, इसको डालिए इसमें, जितना भी खाना हो उस हिसाब से। और इसको थोड़ा देर और पका लीजिए। अब ये बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर लीजिए।